क्या तुम मेरे साथ डेट पर चलोगी? एक छोटी सी कहानी। हेलो, वो मीठी आवाज में बोली। हेलो, मैं साइमन पॉल का मित्र हूं, पॉल ब्रेनन का दोस्त। हम पिछले शनिवार की रात बार में मिले थे। मुझे नहीं पता कि तुम्हें याद है या नहीं। तुम्हें मेरा नंबर कैसे मिला? पॉल ने तुम्हारा नंबर मुझे दिया। पॉल के पास मेरा नंबर नहीं है, उसके पास क्यों होगा? मुझे लगता है कि उसे तुम्हारा नंबर तुम्हारी दोस्त जैन से मिला है। क्या उसने अभी नंबर तुमको दे दिया? खैर, ये अच्छा नहीं। तो क्या तुम पॉल का दोस्त स्टीव बोल रहे हो? नहीं नहीं, मैं साइमन। जो कुछ भी कहो, तुमने मुझे वास्तव में क्यों फोन किया? मैं सोच रहा था कि क्या तुम मेरे साथ बाहर जाना चाहती, मेरा मतलब मेरे साथ एक डेट पर चलोगी। मुझे लगा कि जब हम उस रात को बाहर में मिले थे तो हमारे बीच अच्छी बातचीत हुई थी। सुनो स्टीव या साइमन, जो कोई भी हो तुम, मुझे तुम्हारे साथ ईमानदार रहे। मुझे बिल्कुल भी अंदाजा नहीं है कि तुम कौन। पिछले शनिवार की रात की बातें मुझे कुछ साफ साफ याद नहीं, और साथ ही मैं उन लोगों से बिल्कुल भी खुश नहीं होती जो मेरा नंबर बिल्कुल अजनबियों को दे देते हैं। मैं उन लोगों को बिल्कुल भी पसंद नहीं करती। हाँ, मैं समझ सकता हूँ, तुमको इस तरह एक अजनबी को फोन सुनकर खुशी तो नहीं हो रही। बिल्कुल ठीक कहा तुमने स्टीव और साइमन। ठीक है, देखिए मुझे खेद है, ये एक बुरा विचार था, मुझे फोन नहीं करना चाहिए था। और फोन नंबर के बारे में किसी और को दोष ना दो, मैंने जिद करके ही तुम्हारा फोन नंबर हासिल किया था। साइमन फोन काटने ही लगा था कि उधर से लड़की की आवाज आ गई और वो बोली, तुम डेट पर कहाँ ले जाना चाहते थे मुझे? बस यही पूछ रही हूँ, वैसे मैं अजनबियों के साथ डेट पर नहीं जाता। मैं सोच रहा था कि शायद हम दोनों साथ में एक फिल्म देख लेते। कब? शुक्रवार को। अच्छा, गुरुवार को मुझे फोन करना और हम शुक्रवार का प्लान बना लेंगे। ठीक है, अभी दिल्ली अलविदा स्टीव। स्टीव नहीं साइमन मैं। पर मेरी आवाज सुनने से पहले वो फोन काट चुकी थी। मुझे यकीन हो गया कि जो लड़की लड़कों के नाम तक याद नहीं रख सकती थी, उसके लिए मेरे जैसे भोले भाले लड़के के साथ डेट पर जाना क्या खुशी। मैं समझ गया कि वो सिर्फ एक फिल्म या एक पार्टी पर मर मिटने वाली लड़की थी। मैंने उसको फिर कभी फोन नहीं किया। बहुत बहुत शुक्रिया।